हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सौरभ श्रीवास्तव। वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल बायोलॉजिकल गोरिल्ला। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे उससे थोड़ा सा आगे। एक टॉपिक है जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, मेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी कि टेस्टिस, फीमेल प्राइमरी सेक्स ऑर्गन यानी कि ओवरीज, एक जर्म सेल या कह सकते हैं गैमेट रिलीज करती हैं, उन दोनों के फ्यूजन को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो चलिए देखते हैं। देखिए, फर्टिलाइजेशन का मतलब, जैसे मैंने पहले ही बताया था, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल सेक्स सेल्स यानी कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो वही हमने लिखा है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अब ये पूरी प्रोसेस होती कैसे है वो हम लोग देख लेते हैं। देखिए, द स्पर्म एंटर्स थ्रू वेजाइनल पैसेज। ये जो वेजाइना होती है, वेजाइना, वेजाइनल पैसेज, ये वेजाइनल रास्ता है एक, ठीक है। इसके थ्रू क्या करता है, स्पर्म एंट्री लेता है। तो वही लिखा है, द स्पर्म एंटर्स थ्रू वेजाइनल पैसेज ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। जब सेक्सुअल इंटरकोर्स होगा तो स्पर्म वेजाइनल पैसेज के थ्रू एंट्री लेता है, ठीक है। फिर क्या होता है, दे ट्रेवल अपवर्ड। अब ये ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगा, ट्रेवल करेगा ऊपर की तरफ, रीच द ओविडक्ट। और कहां पहुंच जाएगा ये, फाइनली पहुंच जाएगा ओविडक्ट में पहुंच जाएगा, वेयर दे मे एनकाउंटर द एग। और वहां से दूसरी तरफ से कौन आ रहा होगा, यहां से एग आ रहा होगा और ये एग से फ्यूज कर जाएगा। हमने यहां पे यूज किया है दे मे एनकाउंटर, दे मे एनकाउंटर, क्योंकि देखिए, जब इंटरकोर्स हुआ है, स्पर्म ने एंट्री ली, तब जरूरी नहीं है कि वही समय हो एग के रिलीज होने का। तो हो भी सकता है एग रिलीज हो उसी टाइम पे और नहीं भी हो सकता है, इसीलिए लिखा है दे मे, ठीक है। तो एनकाउंटर करेंगे और इनके क्या होगा, आपस में फ्यूजन हो जाएगा, आपस में दोनों मिल जाएंगे इसी फ्यूजन को। और ये फ्यूजन के बाद क्या बना लेंगे, फ्यूजन के बाद ये बना लेंगे जायगोट, ठीक। फिर आगे क्या होगा, द फर्टिलाइज्ड एग, जो एग फर्टिलाइज हो चुका है उसको क्या बोलेंगे, जायगोट। स्टार्ट डिवाइडिंग, ये क्या करेगा, अभी डिवाइड करना शुरू कर देगा एंड फॉर्म अ मास ऑफ सेल और एम्ब्रियो। जब ये डिवाइड करने लगेगा, डिवाइड करेगा, एक मास ऑफ सेल बना लेगा, एक सेल का मास बना लेगा, उसको बोलेंगे एम्ब्रियो, ठीक। फिर क्या होगा, द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ यूट्रस। अब ये एम्ब्रियो थोड़ा आगे आके यहां पे यूट्रस की लाइनिंग में आके इम्प्लांट कर जाएगा, वेयर दे कंटिन्यू टू ग्रो। और यहां पे ये कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहेगा एंड डेवलप्स ऑर्गन टू बिकम फीटस। और ग्रो करने के बाद ये कुछ इस तरीके से ग्रो करेगा कि इसके फीटस के क्या होगा, ऑर्गन्स। और ग्रो करके यहां पे क्या करेंगे, ऑर्गन्स डेवलप कर गएंगे, जैसे हेड डेवलप करेगा बेबी का, हाथ पैर डेवलप करेंगे। और जब ये ऑर्गन्स डेवलप हो जाएंगे तब इसको क्या बोलने लगेंगे, इसको बोलेंगे तब फीटस, ओके। आगे देखिए, द एम्ब्रियो गेट्स न्यूट्रिशन फ्रॉम द मदर्स ब्लड। ये जो यहाँ पे एम्ब्रियो है इसको खाना चाहिए, तो ये जो खाना है, ये जो न्यूट्रिशन है, लेता है मदर्स ब्लड से। और मदर्स ब्लड से लेने के लिए एक मदर और बेबी के बीच में एक यूनिट बन जाती है, एक स्ट्रक्चर बन जाता है, उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है प्लेसेंटा। तो प्लेसेंटा एक फंक्शनल यूनिट है मदर और बच्चे की बॉडी के बीच में, जिसके थ्रू जो बच्चा है वो खाना भी लेता है, न्यूट्रिशन भी लेता है, और उसी के थ्रू अपना वेस्ट प्रोडक्ट, फीकल मैटर या फीस से ये जो एक्सक्रीटरी सब्सटेंस रिलीज होंगे, उसी के थ्रू वो मदर के ब्लड में जाते हैं और उसी के थ्रू ये खाना मदर के ब्लड से बॉडी में, बच्चे की बॉडी में आता है, ओके। तो प्लेसेंटा क्या है, फंक्शनल यूनिट। उसी के थ्रू क्या होगा, बच्चा खाना खाएगा और अपना वेस्ट मटेरियल उसी के थ्रू मदर की बॉडी में डालेगा, ओके। तो देखिए, अभी तो देखिए क्या हुआ, हमने वो केस पढ़ा जब यहां से स्पर्म एंट्री लिया और यहां से जब स्पर्म एंट्री लिया, वही समय था एग के रिलीज होने का। तो दोनों एक साथ हुए,
यहां से स्पर्म एंट्री लिया और एग यहां से रिलीज हो गया तो फ्यूजन हो गया। पर क्या हो, मान लीजिए यहां से एग तो रिलीज हो गया बट स्पर्म आया ही नहीं, ठीक है, एग तो रिलीज हो गया बट स्पर्म नहीं आया, या हो सकता है स्पर्म पहले चला गया अभी एग के रिलीज होने का टाइम ही नहीं है, तो उस केस में क्या होता है, ये जो एग है ये फर्टिलाइज नहीं हो पाता। तो जब एग फर्टिलाइज हो जाएगा तब ये क्या बना लेगा, फीटस बना लेगा, बेबी बना लेगा। जब फर्टिलाइज नहीं होगा तब क्या होगा उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, देखिए फ्रेंड्स, व्हाट हैपेंस व्हेन एग इज नॉट फर्टिलाइज, क्या होगा कि जब एग फर्टिलाइज ना हो। तो देखिए सिंपली यहां से समझते हैं कि हमें पता है कि हर महीने एक एग ओवरी से रिलीज होता है, ठीक, एक एग हर महीने ओवरी से रिलीज होता है। तो क्या होगा, ये जो यूट्रस है, यूट्रस की जो लाइनिंग होती है, ये फीमेल की बॉडी को पता होता है कि हर महीने एग रिलीज होगा। एग रिलीज होने का मतलब है, अगर एग रिलीज हो रहा है तो यहां से स्पर्म भी आएगा, बॉडी की मेमोरी में होता है, एग रिलीज होगा तो स्पर्म भी आएगा, तो फिर फ्यूजन होगा, फ्यूजन होकर क्या बनेगा, बेबी बनेगा। और तो बेबी को होल्ड करने के लिए हर महीने यूट्रस की वॉल थिक हो जाती है, यूट्रस की वॉल थिक एंड स्पॉन्जी हो जाती है, ताकि जो बेबी ग्रो करेगा उसमें तो बेबी को होल्ड कर पाए। अगर बहुत नाजुक रहेंगी, पतली वॉल्स रहेंगी तो बेबी को होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो बेबी को होल्ड करने के लिए यूट्रस की जो ये लाइनिंग है, वॉल्स है, ये थिक हो जाती है और स्पॉन्जी हो जाती है, ठीक। बट एट द एंड ऑफ मंथ होता क्या है, स्पर्म तो मिलता नहीं है, तो फ्यूजन नहीं होता, नॉट फर्टिलाइज। जब फ्यूजन नहीं होता तो ये जो यूट्रस की वॉल्स थिक हुई होती है, इनका कोई काम नहीं होता। तो ये यूट्रस की वॉल्स, जब इनका कोई काम नहीं है क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, बच्चा बना नहीं, अब बच्चा बना नहीं तो किसको होल्ड करेंगे, तो क्या होगा, ये यूट्रस की वॉल यहां से टूटकर ब्लड और म्यूकस के साथ विजाइना से बाहर आ जाती हैं। इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। ये जो ब्लड बाहर आता है इसको बोलते हैं मेंसेस, और ये पूरी साइकिल चलती है महीने की बार बार, इसको बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है, मेंस्ट्रुएशन इज द साइक्लिक इवेंट ऑफ रिलीज ऑफ ओवम, ओवम रिलीज होता है फ्रॉम द ओवेरी एंड इट्स रिमूवल फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो एक साइक्लिक इवेंट होता है किसका, एग का रिलीज होना ओवेरी से और इसका बॉडी से रिमूव होना। तो इस पूरे टाइम में एक साइकिल लगती है, एक साइकिल होती है, एग रिलीज हुआ, फिर एग फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, स्पर्म नहीं मिला, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, तो एग ब्लड और म्यूकस के साथ बाहर आ जाता है और ये यूट्रस की वॉल्स भी टूट जाती हैं। तो यूट्रस की वॉल्स, म्यूकस और ये एग सारा कुछ बाहर आ जाता है ब्लड के थ्रू, उसको बोलते हैं मेंसेस, और इस पूरी साइकिल को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, अब देखिए यूट्रस लाइनिंग विच बिकम थिक, वो मैंने बताया था, यूट्रस लाइनिंग जो होती है जो थिक हो जाती है एंड स्पॉन्जी हो जाती है फॉर नरिशिंग द एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को पालने के लिए, नरिश करने के लिए, ब्रेक्स एंड कम आउट, टूट जाती है एंड कम आउट थ्रू वजाइना एज द ब्लड एंड म्यूकस, और ब्लड और म्यूकस की तरह वजाइना से बाहर आ जाती है, ब्रेक्स एंड कम आउट थ्रू द वजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस व्हेन फर्टिलाइजेशन डजंट अकर, और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तब ये काम होता है। इट यूजुअली लास्ट फॉर 2 to 8 days, ये जो ब्लीडिंग होती है, ये जो मेंसेस होते हैं 2 to 8 days तक चलते हैं, वेरी करता है, किसी किसी में 2 दिन ही होती है ब्लीडिंग, किसी किसी में 8 दिन, किसी किसी में 5 दिन, किसी में 3 दिन, ओके। और ये जो साइकिल होती है एग का रिलीज होने में और उसकी बॉडी से बाहर निकलने में, ये पूरी साइकिल 28 से 32 दिन की होती है, या कह सकते हैं लगभग 1 महीने होती है, ठीक। किसी में 28 डेज होगी, किसी में 29, किसी में 30, किसी में 31, किसी में 32, ओके। तो ये है मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होगी, मेंसेस कब होंगे, ब्लीडिंग कब होगी, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ओके। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।